मैं श्रीमती रेखा मेहता, आज की मेरी पाठ योजना का विषय भाव पल्लवन या भाव विस्तार। भाव विस्तार या भाव पल्लवन कहते किसे हैं? किसी सुगठित, सूत्रात्मक या गुंफित विचार अथवा भाव के विस्तार को ही पल्लवन कहते हैं, अर्थात किसी बात को समझा कर कहना पल्लवन कहलाता है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, परीक्षा में पूछा जाता है। पल्लवन को विशदीकरण या वृद्धिकरण, संवर्धन या भाव विस्तार भी कहते हैं। इसको इस प्रकार समझेंगे, जिस प्रकार किसी वृक्ष में नए पत्ते आते हैं और धीरे धीरे खुलते जाते हैं, वृक्ष संपूर्ण सौंदर्य से आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार वक्ता के कथन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना पल्लवन कहलाता है। किसी भी कथन, सूत्र, कहावत, सुक्ति, लोकोक्ति आदि के भावों को जब धीरे धीरे स्पष्ट करते जाते हैं तो पल्लवन की दिशा निर्दिष्ट होती जाती है, अर्थात किसी भी बात को बढ़ाकर, समझाकर, स्पष्टता से कहना ही पल्लवन कहलाता है। अब हम लेंगे भाव पल्लवन की आखिर उपयोगिता क्या है। पल्लवन की कला सीख लेने से हम भाषण देने, व्याख्या करने अथवा साहित्य सृजन करने में समर्थ होते हैं। इससे विषय सामग्री को विस्तार देने की कला हम सीखते हैं और हमारी अभिव्यक्ति में नया निखार आता है, और एक विद्यार्थी के लिए अभिव्यक्ति में निखार आना अत्यधिक आवश्यक है। भाव पल्लवन के लिए जो अत्यधिक ध्यान देने योग्य बातें हैं उन पर हम ध्यान देंगे। वाक्य या सुक्ति को एकाधिक बार हमको पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम उस पंक्ति का अर्थ ठीक प्रकार से समझ जाएं, आशय को समझ लें। उसके बाद पल्लवन या काव्य पंक्ति, गद्य पंक्ति किसी का भी किया जा सकता है। कोई उक्ति हो सकती है, लोकोक्ति हो सकती है, जिसका भाव पल्लवन किया जाता है। तीसरे नंबर पर है भाव पल्लवन या विस्तार करते समय कथन की पुष्टि के लिए हम संक्षेप में उदाहरण या तथ्य भी दे सकते हैं। पल्लवन करते समय वाक्य हमारे छोटे छोटे हों, भाषा स्पष्ट हो और व्यावहारिक हो, उसे अनावश्यक रूप से अलंकृत ना करें, कठिन शब्दों का प्रयोग ना हो, कथ्य और शिल्प दोनों में कसावट हो, अर्थात भाषा भी ठीक हो और जो काव्य तत्व हैं उनके भी हम ठीक प्रकार से प्रयोग करें। लेखक या कवि के मूल भाव का ही हमें विस्तार करना चाहिए, उसकी आलोचना कदापि नहीं करनी चाहिए। सुक्तियां अवतरण या प्रसंग या संदर्भ देना आवश्यक नहीं होता, जैसे कि हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या में करते हैं, वैसा हमें यहाँ पर नहीं करना है, और न ही उसके शब्दों का अर्थ हमें समझाना चाहिए, अपितु जो पंक्ति दी है उसे हमें सिर्फ समझा कर लिखना है। पल्लवन सदैव अन्य पुरुष शैली में ही हमको करना चाहिए। पल्लवन करते समय और जो बात ध्यान रखने वाली है, वर्तनी की शुद्धि और विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अर्थात पल्लवन लेख तैयार हो जाने के बाद हमें उसका एक बार पुनरीक्षण भी कर लेना चाहिए कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, और इस प्रकार इन सब बातों का ध्यान रखने पर हमारा पल्लवन ठीक प्रकार से हो सकेगा। अब यहां पर मैं आपके समक्ष दो उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूं भाव पल्लवन के, जिनको पढ़कर हम समझ में आएगा कि किस प्रकार पल्लवन होना चाहिए। पहली पंक्ति है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हमने यह पंक्ति कई बार सुनी है, कई बार हम बोलते हैं, लेकिन जब लिखने के लिए हमको दिया जाता है तो बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है कि इसमें हम आखिर लिखें क्या। तो विद्यार्थी इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर समझें कि किस प्रकार पल्लवन किया जाता है। दूसरा उदाहरण है कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। यह पंक्ति भी हम कई बार पढ़ते और बोलते हैं, सुनते हैं, तो इस उदाहरण को भी आप पढ़िए और समझिए, और अन्य पंक्तियों को भी अपने समक्ष रख करके मन से लिखने का अभ्यास कीजिए। भाव पल्लवन विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक आवश्यक है और अंक लाने की दृष्टि से, भाषा सुधारने की दृष्टि से यह सीखना आवश्यक है। धन्यवाद।